बारिश के मौसम में जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज विंटर में विजिट कर लेंगे। ये रोड तो काफी अच्छे है और रुको जरा सबर करो, पर भाई अभी तो बहुत खराब है। जो सामान जो आज मैं राइड में मेरे कैरी करने वाला हूँ, एक चीज में अगर आपको बता दूं तो आज मैं जाने वाला हूँ अकेला, सोलो राइड, आज मेरे साथ कोई नहीं है। मैं और एक बात भाई लोग दिल से बताऊँ ना, थोड़ी फट रही है यार, क्योंकि अकेला ही जा रहा हूँ सोलो राइड में फर्स्ट टाइम। चलो देखते, पहली बार तो रेडी हो जाते तो मैं मिलता हूँ। तो अभी बजे है 5:30, तो गाइस आज मैं निकलने वाला हूँ मालशेज घाट। तो सेटअप हो चुका है, मैं अभी निकल दाओ क्योंकि मुझे फिलअप भी करना है। फुल फिलअप हो गया और मैं निकल गया। अभी निकलते मुझे बज गए हैं बराबर 6, और 6 बजे मैं अभी निकला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ गूगल आंटी के साथ, यहाँ से 121 किलोमीटर बता रहा है और अप्रोक्स टाइम जो बता रहा है वो 2 घंटा 43 मिनट्स यहाँ से। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ मालशेज घाट, वो भी सोलो राइड, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज अकेला ही राइड पे जा रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, 125 किलोमीटर्स मुंबई से, और पुणे से अराउंड 120 किलोमीटर है मालशेज घाट। और मैंने जो रूट सिलेक्ट किया है वो है कल्याण से मुरबाड़ करके, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं वहाँ से गया था और बारिश में हम लोग गए थे, तो मालशेज घाट का जो मेन पॉइंट है वो मैं एक्चुअली मिस किया था। तो लेट्स सी, अभी तो फिलहाल अंधेरा है तो हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि भाई आपको भी तो फील देना है मुझे राइड का। A few moments later. अभी अच्छा खासा दिखने लगा है, तो यहाँ से मुझे जो गूगल मैप बता रहा है 780 किलोमीटर्स और 1 घंटा 43 मिनट्स। तो भाई मेरा ये रूट डिसाइड करने का रीज़न ये था कि मुझे लगा था कि ये रोड अच्छा होगा, पर भाई हालत तो देख सकते हो। वैसे तो मेरी गलती क्या हुई ये पता है, ओ लास्ट टाइम आया था मालशेज घाट तो ये रोड काफ़ी अच्छा था, पर भाई अभी तो बहुत ख़राब है। सुबह सुबह साइकिल राइड, वाह, राइड बाइक की हो या साइकिल की हो, राइड राइड होती है भाई। इन्हें थोड़ा सा चेयर अप कर दे, वो नींद में, बच्चा नींद में। फाइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छा रोड तो चालू हो गया है। एक्चुअली जब भी हम लोग ग्रुप राइड करके आए थे मालशेज घाट, तभी मालशेज घाट का जो एक पॉइंट है वो हम लोग मिस हुआ था। फॉग ही फॉग, क्या बात है भाई। यार ये जो जैकेट है ना, लाजवाब है, वाह, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी ठंडी मुझे फील हो रही है, पर ये जैकेट में मुझे थोड़ा भी ठंडी नहीं लग रहा है भाई। गुड इन्वेस्टमेंट, वैसे तो कोई तुझे शाबाश की नहीं देगा ऋषि, अपने आप से ले ले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, सिंगल लेन दे, यहाँ से गाड़ी आने वाली भी है और हम जाने वाले भी है, तो थोड़ा केयरफुली मुझे गाड़ी चलाना है। पर ठंडी ठंडी हवा और राइड, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसके लिए सुबह सुबह निकलना पड़ता है, बट डोंट वरी, आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सब फील। और सामने से आ रहा है ट्रक और मैंने ले लिया लेफ्ट में। वाह सीरियसली मज़ा आ रहा है, भले ही मैं अकेला हूँ सोलो राइड, पर भाई ये रोड और ये जो मौसम है ना, वाह 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 वाह, क्या बताओ, एक नंबर एक नंबर। वैसे तो मालशेज घाट मेरा फेवरेट रूट है, क्योंकि भाई रोड तो काफ़ी अच्छे और आप देख ही लो, क्या ही बोलूं यार।
क्या हुआ? हाँ देगा पेट्रोल, पेट्रोल हवा है। अच्छा है ना, जवळच आहे ना। हाँ हाँ निघू चला। मैंने जो आज का जो माळशेजघाट डेस्टिनेशन चुना है वो ज़्यादातर लोग मानसून में जाते हैं, बारिश के मौसम में जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज विंटर में विजिट कर लेंगे। अदरक वाली चाय जी मुझे। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता पर राइड में पी लेता हूँ, उससे चीज़ें आसान हो जाती है। ऑब्वियसली राइड आसान हो जाती है। गाइस अगर किसी को पता नहीं होगा, कुछ लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, तो यहाँ कहा तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आती होगी, भाई फॉलो करना। मैंने कल ही मेरे सीरा को इंट्रोड्यूस किया है, मैंने मेरे बाइक का नाम सीरा रख दिया है। ये पता है आपको क्या है? ये एक मिनट देख लेना। मेरे साथ आज कोई वीडियो निकालने के लिए है नहीं, तो सीरा ही मेरी आज वीडियो निकल रही है। कैसे लग रहा हो भाई? तो भाई इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तुम लोग वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाइम अपडेट, तो अभी हुए 8:10 और किलोमीटर्स माळशेजघाट मुझे 50 किलोमीटर बता रहा है। जो कट टू कट पास हुआ हूँ ना, जो दिखाई नहीं पर लकीली मैं बच गया हूँ। वैसे तो ज़्यादा था क्लोज बट ठीक है यार, निकल गया, थैंक गॉड। व्यू देखो गाइस, वाव। इसी के लिए राइड के आते हैं हम लोग। वाटर रोड यार, क्या बात है। तो गाइस ये स्पॉट है जो हम लोग के ग्रुप ने मिस किया था। ये वाला जो है ये सेकंड पॉइंट है माळशेज का। वैसे तो पहला वाला भी स्किप हुआ था, ये भी स्किप हुआ था, तो अभी ये भी देख लेंगे। ओ भाई ये स्पॉट भी मेन था माळशेज का जो हम लोग ने नहीं किया था। मेरे ग्रुप में जो जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई वो लोग ने क्या मिस किया था माळशेज घाट में। तो अभी मैं यहाँ पे तो दो स्पॉट आपको दिखा दिया माळशेज घाट का, तो मैं अभी थोड़ा आगे जाके जोगा डैम जो पिंपल गांव से यहाँ पे कैंपिंग भी होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नाम क्या? मितेश ज्वेलर बाबा, ज्वेलर बाबा यूट्यूब चैनल है ज्वेलर बाबा। मी दिन दिन दीजिए प्रथमेश धनेश धनेश। हैप्पी जर्नी, संभल के जाना। चलो बाय बाय।
निसर्ग पर्यटन माळशेज घाट वन व वन्य जीवांचा हा ठेवा भावी पिढींसाठी अवंदित ठेवा. इनसे पूछ लेता हूँ कि अंदर है क्या. ये क्या अंदर पीछे साइड में वाली है. अच्छा चलो देख लेते हैं ना. अभी आए हैं तो कुछ नया एक्सप्लोर. आगे तो रिसोर्ट है, यहाँ पे कुछ वो बता रहे थे. अच्छा यहाँ से जाओ. अच्छा ओके ओके यहाँ से. ये जो स्पॉट है यहाँ से तो पूरा माळशेज घाट का व्यू है रे. यहाँ पे आप कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. यह है जोगा डैम. तो यहाँ पे गाइस कैंपिंग भी होती है जैसे कि अभी आप देख सकते हो. यहाँ पे कैंपिंग के लिए भी रुकते हैं और आगे भी अच्छे अच्छे स्पॉट हैं. बट मैं यहाँ से रिटर्न जाने वाला हूँ क्योंकि 12 किलोमीटर और मुझे तो रुकना नहीं और मुझे लगी भूख. तो मैं रिटर्न के लिए निकलने वाला हूँ. तो बस आप यहाँ से देख सकते हो जोगा डैम. ये तो डैम एक ही है बट ये बहुत बड़ा है. तो थोड़ा सा आगे जाके रिटर्न आऊँगा. A few moments later. जैसे मैं पिंपल गांव पहुंचा उसके बाद मेरा जो GoPro का बैटरी है वो डाउन हो गया. तो फिर मैंने GoPro चार्ज करने के लिए बैग में रख दिया. फिर उसके बाद सीधा मैं अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक. तो बस जितना माळशेज घाट जितना एक्सप्लोर करना था मैंने कर लिया. गियर अप हो गया फटाफट. अभी बजे है 11:30 और यहाँ से जो डिस्टेंस है मेरा घर वो 111 किलोमीटर है और अराउंड मुझे गूगल मैप बता रहे 3 घंटा मुझे अभी भी राइड करना है. कि जो उल्लासनगर का जो रोड है वो पैच जो सुबह आपने जो रोड देखा वो बहुत ख़राब था. तो मैं डिसीजन चेंज करने वाला था कि अंबरनाथ कोपर खैरानी वो साइड से जाऊँगा. वो मुझे ज़्यादा किलोमीटर पड़ रहा है थोड़ा. तो ठीक है कल्याणी पकड़ेंगे बट मुझे थोड़ा डाउट है ट्रैफिक का. तो बीच में देखेंगे. फिलहाल तो सेम रूट है. तो गाइज आज का ब्लॉग बस यही तक था. किसी भी रीज़न से अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों.